कोच साहब जो आपका अखाड़ा है, यहाँ मैंने देखा कि सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका शेड्यूल कैसे होता है? सुबह से बच्चे उठते हैं तो शेड्यूल आपका अखाड़े का कैसे शेड्यूल होता है? हमारे अखाड़ा का शेड्यूल जो पुरानी परंपराएं गुरु जी के टाइम की चल रही थी, हम उसी शेड्यूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी। उसमें कुछ चीजें हम आधुनिकता की डाल रहे हैं, लेकिन हमारा शेड्यूल जैसे सुबह 4:15 बजे बच्चे उठते हैं, फिर ये फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर ये दौड़ने के लिए हर रोज हम क्या करते हैं शेड्यूल में जी। मंडे और ट्यूसडे हिंदू राव की जो पहाड़ी है ना, ये जो बूमटा बोलते हैं, उसमें ले जाते हैं। इधर सेंट स्टीफन कॉलेज की तरफ से इनकी 10-12 स्प्रिंट लगवा के सारी पीटीवीटी एक्सरसाइज वगैरह करवा के इनको लेके आते हैं। ये मतलब 5 बजे तक वहाँ से पहुँच जाते हैं और इनको 6:15 बजे तक 1 घंटे की एक्सरसाइज, 1 घंटा 1.25 घंटे की एक्सरसाइज पूरी टोटल होने के बाद वापस ये दौड़ते हैं यहाँ आते हैं अखाड़े के अंदर। फिर इनको हम जैसे 10-15 मिनट के ब्रेक में भाई कुछ खाना पीना हो, मैट वेट की सफाई करके, भाई अब जैसे कोल्ड का सिस्टम है जी, तो कोल्ड में हम मैट पे ही करवाते हैं क्योंकि मट्टी में तो जोर कर नहीं सकते जी। तो क्या कि गर्मियों में तो मट्टी पे भी कराते हैं, गद्दे पे भी कराते हैं। तो फिर बुधवार को हम इनका गेम खिलवाते हैं जी। बुधवार को जैसे इनको 6:30 बजे का टाइम है, सर्दियों में नहीं गर्मियों में 6 बजे जी इनका बुधवार को गेम होता है। गेम के बाद वहीं उनकी पूरी एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, पूरी पीटी वीटी गेम खिलाने के बाद जी। वो भी हम 20-20 खिलवाते हैं, मतलब वो स्पीड वाला 20-20 का मतलब है कि दो टीम बांट दी, डिवाइड कर दी, 20 गोल जो पहले 10-10 काउंट करते हैं जी जी। उसे 20 गोल कर देगा, पकड़म धपड़ा सारी चीज़ें होती हैं उसी। फिर बाद में वो खिला के ले आके फिर कुछ हाथों के लिए रस्सा है, कोई डम्बल है, कोई और है, बाद में स्टिचिंग करते हैं बुधवार को। फिर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को फिर वही पहाड़ी के ऊपर हमारी रनिंग दो दिन। और शनिवार को फिर हम गेम खिलवाते हैं शनिवार को। वो छुट्टी किस दिन की होती है जी? संडे की हम छुट्टी रखते हैं, संडे का कंप्लीट रेस्ट होता है। संडे का कंप्लीट रेस्ट में क्या कि 6:30 बजे उठते हैं, उठने बाद में मान लो खेल के तो आते हैं, अपनी एक्टिविटी करके आते हैं, लेकिन ये इनके ऊपर है, जो इंडिविजुअल हो गया ये मान लो कोई लेग क्रिकेट खेला है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन करते हैं रेगुलर ही। और संडे को फिर ये दिन में मालिश वालिश कर लेते हैं, कभी शनिवार को मालिश कर लेते हैं जी जी। तो मतलब एक मालिश के क्या बेनिफिट? मालिश के बेनिफिट ये है देखो कि हमारे पास सुविधाएं तो है नहीं तो दरअसल पहलवानों के लिए सोनाबाद होना चाहिए, एक दिन सोनाबाद इनको मिले तो ये मसल रिलैक्स हो जाते हैं। अब सोनाबाद की असुविधाएं नहीं है तो अब ये तेल लगा के अपने आपस में जॉइंट के साथ, पहले तो मालिश वाला ही बुलाते थे लेकिन कोविड में बुलाते नहीं, आपस में करते हैं तो ये तेल की मालिश है, जैसे मान लो सरसों का तेल है या ये नारियल का तेल है, कोई तिल का तेल है, जो भी उसकी मालिश वालिश करते हैं तो मालिश से एक दूसरे करते हैं तो वो मसले मसले की रिलैक्स हो जाते हैं। फिर ये गर्म पानी में नहा लेते हैं, खुद रिलैक्स हो जाते हैं। तो कोई स्पेशल ऑयल होता है जी पहलवानों के लिए? मतलब ऐसा वो तो हर तरह के आदमी है, अच्छा हर तरह का डॉक्टर अलग अलग दवाई देता है जी जी। मैं तो ये कहता हूँ स्पेशल ऑयल कुछ नहीं, जैसे चाहे सरसों के तेल से कर लो, चाहे ये इसका नारियल के तेल से कर लो, लेकिन मालिश का मतलब है कि प्रॉपर में मसले उनकी पूरी रिलैक्स। और मान लो वो 30-35 मिनट एक आदमी एक ही करता है, घंटे भर में इनकी मालिश होती है, तो घंटे भर में इनके मसल जैसे मान लो नीचे पंजे से लेके घुटनों की है, ये है कमर की, हाथों की है, गर्दन की है, सिर की है, ये पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। तो कुछ सब जो तेल से क्या है, जैसे सर्दियों में तेल की मालिश करते हो रहे हैं, सर्दियों में क्या किया ये हमारे बाड़ों के छिद्र है वैसे बंद हो जाते हैं जी जी। अब ये तेल की मालिश वालिश करते हैं छिद्र खुल जाते हैं उसमें, जैसे इनके पसीना वसीना आता और आता है तो बॉडी में जो कोई चीज आएगा या तो वो यूरिन जाएगा या पसीना आएगा, कोई चीज तो आएगी बाहर में, तो ये छिद्र इनके खुल जाते हैं, तो ये इनको बड़ा बेनिफिट है। तो कुछ सब स्पेशल जैसे अखाड़ों में सुनते हैं कि जो डाइट का जो प्लान है बच्चों को, स्पेशल क्या डाइट आप मतलब सलाह देते हैं, बच्चे क्या यूज करते हैं? हम डाइट में एक चीज इनको खास करके सलाह देते हैं कि जितने मैक्सिमम जैसे ये फ्रूट खाते हैं, जूस है, बादाम है और दूध है, दूध में जैसे मान लो कैल्शियम भी है और भी है सारी चीजें हैं, और ये जितनी हरी सब्जियां, ताज़ा हरी सब्जियां खाते हैं, क्यों हमारे खाड़े में ये प्योर वेजिटेरियन है, हमारे गुरुजी टाइम का चला है, ये सब हनुमान भगत है जी जी जी। तो इस इनमें कोई मतलब ये कोई मटन या चिकन वगैरह या कुछ ये खाते नहीं, कोई यूज नहीं करता जी जी जी। भाई जो लड़के कैमरे में जाते हैं कोई करता होगा, लेकिन वो बाहर ही करते हैं, खाड़े में चार द्वारी में कुछ नहीं है, मान लो कोई करता होगा हाँ बस बस
मतलब गुरु जी का आशीर्वाद है। ये जो आप यहाँ बैठे ना, या एक मजार है, जैसे मुसलमान के मजार है या अपना मंदिर है, जी जी जी, ये जब इस अखाड़े की बात भी चली थी तब हमारी कई बार डीडीए के अफसरों से डिस्कशन हुआ और हुआ, तो बोला आप यही जगह क्यों चाहते हो। मैंने कहा ये गुरु हनुमान की तपोस्थली है और यहीं से आशीर्वाद मिलता है, सिद्ध जगह, इस सिद्ध जगह या सिद्ध पीठ है। जैसे हम जिस मंदिर की नहीं कहते ना भाई, इस मंदिर का आशीर्वाद मिलता है, तो इसका ये सिद्ध पीठ है। तो इस सिद्ध पीठ में जो भी आदमी आता है यहाँ करता, तो वो अगर सच्चे मन से करेगा और गुरु जी में श्रद्धा रखेगा ना, वो 100% नौकरी तो लगे ही लगेगा। मैंने रुस्तम भी बनेगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो जिंदगी में नौकरी नहीं लगती, और यहाँ हर साल चार पांच कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, कोई कहीं, कोई कहीं कहीं, जो रद्दी से रद्दी जो गुरु जी की सेवा करते हैं, और वो जो मतलब उनमें धारणाएं ऐसी हैं कि जिस दिन जैसे मंगलवार को प्रसाद बांटते हैं जी, तो ये गुरु जी की मूर्ति पे प्रसाद चढ़ाते हैं। विचार अच्छे हैं, मतलब विचार ये कि वो गुरु हनुमान को आदर्श मानते हैं, हर चीज गुरु जी को ही मान के चलते हैं। आज हम भी गुरु जी को मान के चलते हैं। मैं जैसे मेरे को 2.5 साल हो गए रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट के बाद मैं जाता हूँ जिसमें वो गुरु जी को प्रणाम करके, मैं आपके आज्ञा से हम जा के आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, कि हमारी एक श्रद्धा हो गई, समर्पित समर्पण गुरु जी के प्रति हो।